विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है एंड इसके चलते विराट कोहली के अगेंस्ट एंड विराट कोहली के सपोर्ट में बहुत ज्यादा क्रिकेटर बहुत सारे बातें कर रहा है। इंडिया के भी क्रिकेटर विराट कोहली के सपोर्ट कर रही है एंड इंडिया के बाहर से भी विराट कोहली के ऊपर सपोर्ट आ रहा है एंड कुछ हेट तो भी आएगा ही भाई। जितना 70 सेंचुरी कर चुका है जो बंदा उसको तो हेट मिलेगा ही ना, हेटर्स होता ही ये सब करने के लिए। तो मैं आज के इस वीडियो में विराट कोहली के ऊपर जो सपोर्ट आ रही है उसके बारे में बात करूंगा। हेटर्स को मैं छोड़ो, वो सब उनका काम ही है हेट करना, छोड़ दो उन लोगों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विराट कोहली को सपोर्ट करते हुए इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा कि विराट कोहली एक लेजेंडरी क्रिकेटर है, वो इंडिया को बहुत सारे मैचेस जिताया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि विराट कोहली कुछ अलग लेवल का क्रिकेट खेल रहा है, जस्ट एक दो इनिंग्स ही फार है कि विराट कोहली अपने रिदम में वापस आ जाएगा। एक सेंचुरी के बाद ही शायद से विराट कोहली का कमबैक बहुत शोर मचाएगा। ये रोहित शर्मा का स्टेटमेंट है विराट कोहली के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम विराट कोहली को सपोर्ट करते हुए क्या कहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर आजम ने विराट कोहली को सपोर्ट करते हुए एक ट्वीट किया था कि इस समय को जाना पड़ेगा, स्टे स्ट्रॉन्ग विराट कोहली। एंड उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए विराट कोहली ने भी बाबर आजम को थैंक यू कहा है। एंड ऑल्सो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच जो टेस्ट मैच हुआ है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम को पूछा गया क्या विराट कोहली कमबैक कर सकता है। उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए बाबर आजम ने क्या कहा है आप खुद ही सुन लो। देखें एज अ प्लेयर आप पे भी टाइम आ सकता है और मुझे पता है कि एज अ प्लेयर इस चीज़ में से कैसे गुजरता है बंदा और कैसे उस चीज़ से निकलता है। तो उस टाइम पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और एज अ प्लेयर मैंने इस सेंस में किया कि थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए और वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, आई नो इज प्लेइंग अ लॉट और उसने उसको पता है कि इन चीज़ों से कैसे निकलना है। थोड़ा टाइम लगता है और मेरे ख्याल से जितना बैक करेंगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट इंग्लैंड टीम के कैप्टन जॉस बटलर ने विराट कोहली को सपोर्ट करते हुए कहा कि विराट कोहली के आउट ऑफ फॉर्म होने के चलते ये साबित होता है कि विराट कोहली भी एक ह्यूमन है। ये जॉस बटलर का स्टेटमेंट था विराट कोहली को लेकर। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ग्लेन मैकग्रंथ ने विराट कोहली को सपोर्ट करते हुए कहा कि विराट कोहली बहुत सालों से बहुत ज्यादा रन करते आ रहा है एंड विराट कोहली ने अभी तक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है एंड विराट कोहली के पास खुद को समझने का एंड गेम को समझने का ताकत आ गया है एंड अभी वर्ल्ड कप बहुत नजदीक आ रहा है तो विराट कोहली का एक्सपीरियंस इंडियन टीम को बहुत जरूरत पड़ेगा। सो आई थिंक दैट कि विराट कोहली को इंडियन टीम में चांस देना चाहिए, ये ग्लेन मैकग्रंथ का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि विराट कोहली के 71st सेंचुरी को लेकर लोग वेट इसलिए कर रही है कि विराट कोहली इससे पहले एवरी थर्ड मैच में एक सेंचुरी जड़ देता था। मैंने सचिन तेंदुलकर के साथ भी खेला है, ऐसा फेस सचिन तेंदुलकर के साथ भी बीटा है तो विराट कोहली के साथ भी होना नॉर्मल है, ये वीरेंद्र सहवाग का बयान है। एंड ऑल्सो बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली भी विराट कोहली को सपोर्ट करते हुए कहा है कि ये हर एक प्लेयर के साथ होता है, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्राविड, सचिन तेंदुलकर, यहाँ तक कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एंड फ्यूचर में भी बहुत सारे क्रिकेटर के साथ ऐसा होने वाला है। सो ये सब के ऊपर नहीं सोचकर अपने गेम के ऊपर सोचना ही विराट कोहली के लिए अच्छा होगा, ये सौरव गांगुली का बयान है। एंड ऑल्सो पाकिस्तान के दिग्गज फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने भी विराट कोहली को सपोर्ट करते हुए एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया है तो उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। हुआ कैप्टेंसी भूल जाए, आईपीएल भूल जाए, जो कुछ हुआ भूल जाए, अच्छे बंदे का अंजाम याद रखिएगा कभी बुरा नहीं हो सकता। सो इन द एंड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड डू वेल एंड एंजॉय इट। करियर इतने लंबे नहीं होते और जितना भी है इसमें से पॉजिटिव बन के निकले और अपने अंजाम की फिक्र करें और अंजाम यहाँ पर होना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है विराट कोहली विल एंड हिज करियर ऑन अ रियली रियली हाई नोट। एंड ऑल्सो पाकिस्तान के ही खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने विराट कोहली को सपोर्ट करते हुए कुछ स्टेटमेंट दिया है, क्या कहा है आप खुद ही सुन लो। जो एक चैंपियन प्लेयर है विराट कोहली, मगर जिस स्टेज में अभी जा रहा है उसके लिए हम सब दुआ कर सकते हैं कि क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक हार्ड वर्कर है और इंशाल्लाह ये वक्त तो सब पे आता रहता है, मुश्किल वक्त भी आता है कि आसान वक्त भी आता रहता है और हर एक प्लेयर ने सेंचुरी भी बनाई है और जीरो भी पेयर्स भी करते रहेंगे, ये जिंदगी का एक निज़ाम है, चलता रहेगा। उस टाइम भी उसके लिए दुआ कर सकता हूँ कि और उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह अपने हार्ड वर्क पे वापस अपने आप को चीज़ों को इंशाल्लाह कंट्रोल करेगा।
तो यार यही था कुछ क्रिकेटर का सपोर्ट विराट कोहली के ऊपर। एंड अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के थर्ड ओडीआई भी चला गया, विराट कोहली के बल्ले से एक भी सेंचुरी नहीं आया है। इसके बाद विराट कोहली खेलने वाला है एशिया कप 28 अगस्त को शायद से पाकिस्तान के खिलाफ। तो आई होप दैट ये जो गैप विराट कोहली को मिलेगा इसमें विराट कोहली अपने आप को समझेगा एंड अपने आप को खुद से बहुत ज्यादा टाइम देगा एंड क्या क्या गलती किया है विराट कोहली ने अभी तक इसके बारे में सोचेगा एंड इस गैप में विराट कोहली अपने आप को इतना तैयार कर देगा कि जब कमबैक करेगा तब सभी विराट विराट करके शोर मचाएगा। एंड विराट कोहली को सपोर्ट करते हुए मैं क्या ही कह सकता हूँ, मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ बट एज अ यूट्यूबर मैं कुछ नहीं कहूंगा, एज अ फैन मैं विराट कोहली को यही कहना चाहता हूँ कि लॉट आओ किंग, अब बहुत देर हो गया है, लॉट आओ। 3 साल से आपके बल्ले से एक भी सेंचुरी नहीं आया है किंग, प्लीज लॉट आओ, बहुत लेट हो गया है, प्लीज वापस आओ हमारा किंग, हमको वो किंग दिला दो जो हर तीसरी मैच में एक शतक जड़ देता था, हमको वो किंग दिला दो जिसका शतक जड़ना ट्रेंड बन गया था, जो इंस्टाग्राम रील से भी ज्यादा ट्रेंड करता था, हमको वो किंग वापस चाहिए जो चेस करते हुए ओपोनेंट टीम के बॉलर्स को निचोड़ देता था, वो किंग वापस चाहिए जिसका एग्रेशन सिर्फ एग्रेशन ही नहीं होता था जो जीतने का एक जज्बा होता था जिसके अंदर, वो किंग हमको वापस चाहिए, प्लीज लौट आओ किंग, बहुत देर हो गया है अब, लौट आओ सर। अगर मगर काश में हूँ, मैं खुद अपनी तलाश में हूँ, अपने आप को खोजने में लगे हुआ है ये खिलाड़ी, ये महान बल्लेबाज, कहाँ छुपा है वो विराट कोहली, विराट कोहली खुद ढूंढ रहा है।